साहब, शर्म नहीं आती? अंग्रेजी पढ़कर तुमने यही सीखा है क्या?
किसी की जान जाए और तुम्हारा दिल पहले बालक खाया से रुपए पर। अरे मैं अभी देखी दीदी से कहती हूँ तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगी। क्या बात है? ठीक वक्त पे आ गए आप, अरेस्ट कर लीजिए इन लड़कियों को। क्या बात है, बाहर तो आइए। नेटिव गर्ल। लेकिन हुआ क्या? अरे मैं हंटिंग के लिए निकली थी, ये मिस हो गया, छर्रा मारा था बच्चों को, लग गया उसके हाथ में, तभी से टैंट कर रही है, टाँ टाँ कर रही है, और अगर छर्रा सीने में लग जाता तो देखा किस तरह पेश आ रही है। अब जाइए, मैं इनकी खबर लेता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शट अप। जानती नहीं, ये अपने नए जमींदार साहब की लड़की है, कल ही शहर से आई है। कोई भी हो, किसी की जान तो नहीं ले सकती। और तुम भी अंग्रेजी में गिटपिट गिटपिट दो बातें कर दी, बस लट्टू हो गए। अरे तुम तो रुट गई। मना लो, हम तो चले। चलो सरला, चलो दीदी। निर्मल क्या है, नाराज होगी? वो तो मैंने यूं ही जमींदार साहब का लिहाज करके कहा था। छोड़ो भी, देख ली तुम्हारी थानेदारी, चोर से कहोगे चोरी कर, शेर से कहोगे जागो। अभी हमारी कमला दीदी को कुछ हो जाता तो। अच्छा माफ करो, ये बताओ घर में कुछ बात हुई थी? काहे की? और काहे की? शादी की? पागल हो गए हो क्या? पहले बड़ी बहनों की शादी होगी क्या हमारी? ओ तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। अरे निर्मल घर चले हैं ये थानेदार के साथ थाने के आते हैं। छोड़ो ना, छोड़ो जी। तुम खाओ कछु काम है कि दिंगा छैया छैया कहां निकल रही है सबरे का सबरे? नदी पर गए थे माँ, नदी पर गए थे माँ, नदी पर का धरो है? हमने कही नदी चौधरी की बगिया से फूल तोड़ रही हो पूजा चलाने लाई। पूजा पूजा दिन रात पूजा, और वो भी एक लड़के के लिए। ए भगवान एक लड़का दे दे, ए भगवान एक लड़का दे दे, जैसा लड़का मिल ही जाएगा। याद लगे सब नहीं याद तुमको, घर में चार चार जवान लड़कियां, तुम ऐसी बातें करो। सच तो है। सुनो मैंने एक नया नाच तैयार किया है, जरा अंदर आके रिहर्सल कर। नहीं पहले फोन लाओ हमारे लंग, पहले रिहर्सल कर लो। उसे गई तो टांग तोड़ दी तुमने। हाँ देखिए लड़कियों के माँ, मेरे रास्ते में ना हो वरना ठीक ना होगा। ठीक ना होगा, कहा ठीक ना होगा? अच्छा झगड़ना चाहती हो? हाँ। समझती नहीं हो, अगर ये लड़कियां रिहर्सल ना करेंगी तो नौकर जी में नाचेगा कौन? तुम नाचो तुम। हम तो नाचते ही है। हम तो नाचते ही है। बड़ी बहादुरी करो तो मर्द होकर औरत बन के नाचो तो, और तुम औरत होकर मर्द की तरह से करती हो। चलो चलो तैयार हो गए। क्यों क्या हुआ, क्या सोचने लगे? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? सोचता हूँ तुम लोगों को नौटंकी में उतारूं या नहीं। क्यों? समझती नहीं, समाज तुम लोगों को गिरी हुई नजरों से देखने लगेगा। समाज? उस वक्त तुम्हारा समाज कहाँ चला गया था जब हमारे साथ वाले हमारे नौटंकी को छोड़ के चले गए थे क्योंकि हम उन्हें तनख्वाह ना दे सके? जब माँ बीमार थी तब तुम्हारा समाज दवा के पैसे देने क्यों नहीं आया? जब हम चार चार दिन भूखे थे तब तुम्हारा समाज कहाँ चला गया था? जब 3000 रुपए के लिए तुमने अपने मकान जमींदार के पास रहन रखा था उसको तुम्हारा समाज मदद करने क्यों नहीं आया? समाज? बाबूजी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आज हमारा भाई होता तो क्या नौकरी ना करता? हाँ, ये तो है। तो ये समझ दो बाबूजी कि हम तुम्हारी लड़कियाँ नहीं लड़के हैं। हाँ हाँ बाबूजी। निकाला है आपने। क्या करे लल्लन, कभी नहीं सोचा था कि लड़कियों को नौटंकी नाटक में डालूंगा। तो क्या हुआ, ये तो एक आर्ट है।
मैं भी तो कभी कभी आपकी नौटंकी में नाच लेता हूँ। तुम तो जमींदार साहब के भतीजे हो, तुमसे कोई क्या कहेगा, गरीबों पर सब उंगलियां उठाते हैं। लड़कियां शादी करने लायक हो गई हैं, तुम ही बताओ नाचने गाने वाली लड़कियों से कौन शादी करेगा। जिसे नाचने गाने का शौक हो। खैर मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो तो सुन लो। क्या? आज राजनगर के महेश बाबू परमिला बहन को देखने आ रहे हैं। परमिला बहन को? अरे दे चिड़ी मारने साहब, जिनको छर्रा तुम्हारे हाथ में लग गया हो तो लड़की मर जाती तो? तो देखो लालन, अपनी बहन को समझा देना कि इस तरह बंदूक लेकर मना घूमे, वरना मेरा गुस्सा बड़ा करोगे। हाँ हाँ हाँ, मैं समझा दूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। क्या है? चाचा जी इस खुशी में आपका प्रोग्राम करना चाहते हैं। प्रोग्राम? हाँ। क्या प्रोग्राम? लड़कियों के बाद फिर वही मुसीबत। हे भगवान, एक लड़का दे दे। लड़कियों के बाप, अरे मामी कहो, प्राणनाथ कहो, प्रीतम कहो, प्रीतम कहे, प्रीतम कहो, याद लगे हमने कही लड़कियों को जल्दी भेज दो, फूल ले आए हमारे लाने। अरे हजार बार कह दिया कि सही होगी, बोली बोलो, ये गवारी जबान हम नहीं समझते। नहीं समझते तो नहीं समझो। ललिता बाबू, चाची को हमारी तरफ से दावत दे दीजिए ना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। लड़कियों की माँ, लड़कियों की माँ कहाँ है? ललन बाबू आए हैं, आज शाम को अपनी उनके वहाँ दावत है। कहाँ है दावत? याद लगे जो का होता है, दावत नहीं समझती, निमंत्रण, न्योता। तो ऐसा काय नहीं कहा, दावत का दावत का दवात कलम, दवात कलम रही वही गवार की गवार। गवार तुम, गवार तुम, तुम देखो ना, मुझे गवार कहती है। अच्छा तो ललन तुम भी नाचोगे ना? अरे अरे क्या गजब कर रहे हैं आप, मैं इतने मेहमानों के सामने कैसे नाच सकता हूँ, चाचा जी जिंदा जला देंगे। अरे ये सब मुझ पर छोड़ दो ना, मैं तुम्हें इस तरह पेश करूंगा कि चाचा तो क्या चाचा का बाप भी ना बैठा सके। मेम कौन बनेगा? सरला। नहीं नहीं सरला बलन। अच्छा तो सांप कौन बनेगा? मैं। सांप? और मेम मैं तुम्हारी परमिला की ऐसी नकल उतारूंगी कि वो जन्म भर याद रखे। अच्छा तो सब तय हुआ ना, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बहुत ही जगह दावतें देने। अच्छा अच्छा जाओ जाओ जाओ, चलो चलो रिहर्सल कर लो। आप है राजा महेश प्रसाद जी, राजनगर के जिम्मेदार। नमस्ते। खुश रहो बेटी, बैठो बैठो। कब आई शहर से? एक वीक हुआ। पूरे 7 साल रही मामा के यहाँ। अच्छा जी, तब तो काफी पढ़ लिख गई होगी। 7 साल तक अंग्रेजी पढ़ी, उसके बाद कॉलेज में हो गई। हो राजेश ने 20 साल बीए पास किया है। अच्छा क्यों नहीं, ललन ने आपके आने की खुशी में नौटंकी का इंतजाम किया। अच्छा चलिए फिर। चलिए दादी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तुम जाओ बेटा, हम अभी आते। बैठो बेटी, लो ये पहन लो। पहन लो बेटा। राजेश की माँ ने चलते वक्त दे दिया था। दे दिया, पहना दे बेटा। राजेश जी के पैर छुओ। खुश रहो बेटी। अब जल्दी से सगाई कर डालनी चाहिए। वो तो होगा ही भाई, अब आपको आना पड़ेगा हमारे यहाँ तिलक लेकर। लड़के वाले का मान बड़ा होता है ठाकुर साहब। क्यों नहीं। चलिए। आप इंस्पेक्टर साहब, महेश बाबू। लाला सुखलाल जी हमारे सेक्रेटरी। नमस्ते। नमस्ते बैठिए। खाना मेरी जान, मेरी जान, संडे के संडे। खाना मेरी जान, मेरी जान, संडे के संडे। मेरी जान, मेरी जान, संडे के संडे। खाना मेरी जान, मेरी जान, संडे के संडे। I love you. I love you. तुझे पेरिस दिखाऊं, तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं, खिलाऊं मुर्गी के अंडे, अंडे। खाना मेरी जान, मेरी जान, संडे के संडे।
लेकिन लोगों का कहना है कि कर्ज 20,000 था और जायदाद 1,00,000 थी।
जगमोहन इसी सदमे से मर गया। लोग बकते हैं, मेरे पास कागजात मौजूद है। और विक्रम उन्हीं कागजात को उड़ाने के शेर में पड़ा है। खैर आप ख्याल रखिए, मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम डाकू उसका लड़का नहीं। लोगों पर एहसान करना भी गुनाह है। अरे बेटी तुम यहीं थी। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, डैडी इनसे कह दीजिए कि सर्च करने के लिए उन लड़कियों के यहाँ जरूर जाएं। हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगा। चाचा जी कहाँ है? जी सोचता हूँ कहीं चाचा जी के डंडे खाने ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उनको ये मेरा नौटंकी में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बुरी बात तो है नहीं, ये तो शौक है। कितने अच्छे ख्याल है आपके, काश चाचा जी के भी ऐसे ख्याल होते। हाँ आप लोग परसों तिलक लेकर तो आ ही रहे हैं, मेरी तरफ से उनको भी बुला लीजिए, जरा रौनक रहेगी। जी हाँ, इस बात का पता चाचा जी को नहीं चलना है, वरना। आप बेफिक्र रहे हैं। जी अच्छा, मैं सुबह उनको खबर कर दूंगा। हे भगवान, हमने ऐसे कौन से पाप करे होते जो हमको जो दिन देखने को मिल रहा है। कल से कोई के मुंह में एक दाना तक नहीं पड़ा भगवान। अब तुम ही बताओ भगवान, माँ हो के जो सब हम कैसे देख सकते हैं। लड़कियों की माँ, कुछ फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ इस गांव में बंद हो गई, अब चले जाएंगे और किसी गांव में चले जाएंगे। पर तब तक खा दे क्या हमारा मूड। सोचो तो तिलक की खुशी में जमींदार की से बड़ों से इनाम मिल गई है, सोलन को नचा के तैनात करके आ गए। भाई तुम तो ऐसा कह रही हो कि सब दोस्त मेरा ही है। नहीं सब दोस्त मेरा ही है, हम ही तो लंदन को बुला बुला के नचा करते। अब देखियो गली गली भीख मांगे फिरो, चार चार लड़कियां बैठी हैं जाने को। भगवान जी मैं आके पूरे में जाकर डूब मरूं। अरे अरे आओ पूजा शुरू कर दे। जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे। और कोई न केवल हारा हो, कोई न केवल हारा हो, फिर तू ही बेड़ा पार करे, जय 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 कृष्ण हरे, फिर तू ही बेड़ा पार करे, जय 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे, जय 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 कृष्ण हरे। कुछ कर दे विष को भी अमृत कर दे, पूरन कर दे सुख की आशा, पूरन कर दे सुख की आशा, जो भी तेरा ध्यान धरे, जो भी तेरा ध्यान धरे, जय 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 कृष्ण हरे, जो भी तेरा ध्यान धरे, जय 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 कृष्ण हरे, जय 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 ज
नमस्ते ललिता बाबू। नमस्ते। देखो ललन, अब तुम मेरे यहाँ आना बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे लिए हमारी दावत की इस गांव में हमेशा के लिए बंद हो गई। इस गांव में बंद होगी तो क्या हो गया, दुनिया में और कोई गांव नहीं है। लो ये पेशगी। सौ रुपये? हाँ। लड़कियों की माँ, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली, बनवा दो आज हलवा पूरी। लेकिन जाना किसका है? रानगर, महेश बाबू को आपकी नौटंकी बहुत पसंद आई है। कल राजेश का तिलक होने वाला है, वो आपकी नौटंकी कराना चाहते हैं। बाबूजी, हमें नहीं जाना उनके यहाँ। ले लो अपने रुपए वापस। अरे क्यों? क्या पता हम वहाँ जाएं और फिर हमारा अपमान हो। अरे नहीं नहीं, महेश बाबू तो बड़े सज्जन आदमी हैं। बड़े आदमी सब एक से ही होते हैं। चोर के भाई गैरेक है। अरे अब मैं उनको क्या मुँह दिखाऊंगा, पैसे भी ले आया हूँ। तो तुम खुद ही नाचने क्यों नहीं चले जाते? हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? कल रात का अपमान हम कभी नहीं भूल सकते। फिर वही अपमान? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, ये तो अपमान का भारी बदला है। उन्हीं का सजा समझी, तुम्हें इतनी इज्जत से बुला रहा है, इससे ज्यादा करारा जूता चाचा जी के और क्या पड़ सकता है। सबसे करारा जूता तो तब पड़े जब ललन भैया तुम भी नाचो। अरे तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? चाचा जी घर में घुसने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, हमारा घर क्यों है? लड़की ठीक कहती है ललन, तुम नाचोगे तो हम चलेंगे, नहीं तो बात यही कट। हाँ हाँ। अरे भाई तुम सब लोग एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अच्छा मुझे मंजूर है, पैसे तो लो। हाँ हाँ। लड़कियों की माँ, मैंने कहा था ना कि हलवा पूरी बनाओ, लो ये रुपया। रुपयों का हलवा पूरी बनिए का? पहले सामान तो लाओ। पहले चूल्हा तो जलाओ। चूल्हा जला रही बिमला। अच्छा तो आज हलवा पूरी बनेगी। अच्छा ललन मैं भी आया। नमस्ते कमला बहन। अब आप भी यहाँ तक धावा बोलने लगे? मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। क्या? आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, कल रात नौटंकी में प्रमिला देवी का हार गायब हो गया, उसकी शक है कि आप लोगों ने चुराया है। क्या हमें चोर समझते हैं? वो चोर होगी वो। अब जाइए यहाँ से, हम तलाशी लाशी नहीं देंगे। नहीं निर्मल, तलाशी ले लें दो, जब हम लोगों ने चोरी नहीं करी तो डर कहेगा। थानेदार साहब आप तलाशी ले सकते हैं। जारी निर्मल। अच्छा मेम साहब, मैं भी ऐसा बदला लूंगी जो जिंदगी भर याद करोगे। हाँ तो लीजिए तलाशी। तलाशी क्या लेनी है, मैं जानता हूँ आर्या नहीं है। तो फिर आप वहाँ आए क्यों? मेरा आना बुरा रह गया। निर्मल अरे ललन तुम अभी तक यही हो? जी मैं तो जा रहा था, सरला ने कहा हलवा पूरी खाते जाना। अरे इंस्पेक्टर साहब आप भी यहाँ हैं? जी हाँ, मैं भी हलवा पूरी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाने की तैयारी करो। चलो चलो। आइए जरा राजेश की माँ से मिल लीजिए। हाँ हाँ चलिए। बेचारी 2 साल से बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज कराया, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। आइए आइए। विद्या प्रताप बाबू आए हैं। नमस्ते। लेते रहिए। तशरीफ रखिए साहब। साहब अजी इन्हें शादी की इतनी जल्दी है कि कुछ न पूछिए। हाँ हाँ, तो मेरी तरफ से भी कोई देर नहीं, आप आज ही बरात लेकर आ जाइए। बोलो वो कुंवर जी कहाँ है? जी कुंवर जी शिकार पर गए हैं। शिकार? जी हाँ। हाँ जी हरदम शिकार, माँ के पास तो एक मिनट को नहीं बैठता। और प्रमिला का भी यही हाल है, उसे भी शिकार से फुर्सत नहीं मिलती। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजी ऐसा न कहिए, दोनों को शिकार का शौक है, कहीं दोनों जंगल ही में डेरे न डाल लें। अजी ठाकुर साहब जंगल में ही मंगल हो जाएगा, हमें तो इसी में भी खुशी है। अरे लाला जी तुम क्या कर रहे हो, जाओ देखो राजेश कहाँ। जी वो घाट वाली लड़कियों को नौटंकी में ठहरा दिया है। क्या? जी तो लड़कियों को ठहरा दिया है। तुम पर तो हर वक्त लड़कियों की बात रहती है, जाओ पहले देखो राजेश कहाँ। सबको नमस्ते। नमस्ते। देखिए मैं सेक्रेटरी बाबू का महेश हूँ। वो मेरा मतलब है महेश बाबू का सेक्रेटरी,
यानी महेश बाबू का लाला जी हूँ। लाला जी जब देखो तब नाम की गड़बड़ कर जाता हूँ। हाँ तो मैं ये पता करने आया हूँ आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा तो मैं जा सकता हूँ या आप कहें तो ठहरूं? जी नहीं जाइए। अच्छी बात है। अरे कुंवर जी भी आ गए। ये वही कुंवर जी है जिनके साथ प्रमिला की शादी तय हुई है? जी हाँ बिल्कुल वही। यहाँ क्यों आए हैं? मछली मारने। अच्छा मैम चिड़ी मार और साहब मछली मार जोड़ी तो खूब बनी है। ठीक कहा आपने बिल्कुल कृष्ण राधा ओ राधा कृष्ण की जोड़ी है। बारी राधा बारे किशन आपके किशन जी ने अपनी राधा को देखा है? अभी देखा तो नहीं हाँ लेकिन देखने के लिए है बड़े बेचैन। अच्छा तो आप आराम से नहाइए तो मैं चलता हूँ। किशन जी कदम की डाल पर बैठे बंसी बजा रहे हैं। हाँ कितना अच्छा हो राधा जाके किशन जी को। क्यों गया मुझे तुमने? मैं आपको पानी में क्यों गिराने लगी? हो सकता है आपके बंसी के कांटे मेरी साड़ी अटक गई हो और आप गिर पड़ी हो। फिर भी मुझे माफ कीजिए। मालूम होता तुम इस गांव की नहीं हो। कहाँ से आई हो तुम? संगमपुर से। संगमपुर से? सुनो फिर तो वहाँ के नए जिम्मेदार बाबू प्रताप नारायण है ना, उनकी बेटी प्रमिला देवी को तो तुम जानती होगी। हाँ हाँ अच्छी तरह। कैसी है वो? अच्छी है, अमीर की लड़की है लेकिन रंग जरा काला है। एक आंख फूटी हुई है लेकिन देखते दूसरी आंख से बिल्कुल साफ नजर आता है। गाल पर एक सलोना सा तिल है लेकिन आसपास से जाके दाग भी है। मजाक करती हूँ मुझे? मैं मजाक क्यों करने लगी, जैसी है वैसी कह रही हूँ लेकिन आपको बुरा क्यों लग रहा है? सच कहती हो तुम? बिल्कुल सच। काला सा रंग है, चेचक के दाग है और फूटी हुई आंख है। प्रमिला बहन, ओ प्रमिला बहन, ओ प्रमिला बहन। क्या? आप ही उस प्रमिला? मैं? जी मैं नहीं हूँ। देखो तो सही कैसा मजाक है। प्रमिला बहन, आप ही मिस प्रमिला है? प्रमिला बहन, जी मैं नहीं हूँ। बनिए नहीं मिस प्रमिला, काला सा रंग है, एक फूटी हुई आंख है, गाल पर एक सलोना सा तिल है लेकिन साथ साथ चिचक के दाग भी है। मिस प्रमिला मैं आपको अच्छी तरह पहचान गया। अच्छा ये तो बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? देखिए किसी से कहिएगा नहीं। नहीं मैं अपनी सहेली के साथ पिताजी की चोरी चोरी आई। क्यों? ये जानकर आप क्या करेंगे? बता दीजिए शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। तो देखिए एक बात ये है, मेरी शादी यहाँ के कुंवर जी के साथ तय हुई है, मैं यहाँ उन्हीं को देखने आई हूँ। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, आप मुझसे पूछिए मैं बता दूं कि वो कैसे हैं। कैसे हैं वो? है तो वो भी अमीर के लड़के, गोरा रंग है, आंखें दोनों ठीक है उनकी लेकिन एक पैर से लंगड़े जरूर है, चलते ठीक लेते हैं लेकिन बेचारे दौड़ता ध्यान से गिर पड़ते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने तो सुना है वो बहुत सुंदर है और वो चेजिंग हंटिंग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा चेजिंग हंटिंग? आप मजाक उड़ाते हैं, देखिए मैं डैडी से कहकर आपको गांव से निकलवा दूंगी। मैं अपने कानों से उनकी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकती। भाई लंगड़े को लंगड़ा कहना कोई गुनाह तो है नहीं। तो चलिए मुझे पैसा दिलाइए वरना मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं आपको भी अरेस्ट करा सकती हूँ। क्या नाम है आपका? राजेश। उस फिर मजाक मानिए, मेरा नाम राजेश। कुमार जी, कुमार जी, सुन लिया आपने? तो आप हैं जी? मिस प्रमिला ये तो आप नहीं जानती मिस प्रमिला कि आज मैं कितना खुश हूँ। अच्छा तो फिर आपसे मुलाकात कब होगी? जी आज रात को नौटंकी में। नौटंकी में? जी नहीं, मेरे कहने मतलब है मैं देखने आऊंगी। ओह ठाकुर साहब के साथ? जी उनके साथ कैसे आ सकती हूँ, उनको तो मालूम भी ना होना चाहिए।
तो फिर हम मिलेंगे कैसे? हाँ यही तो मुश्किल है। हाँ देखिए मैं प्रमिला बनकर नहीं आऊंगी, लेकिन आप पहचान लीजिए। कोशिश करूंगा, चलिए मैं आपको पहुंचा दूँ। नो नो थैंक। दीदी कैसे मजा आओ? मजा आओ, जान आप फंसे पड़ गई। अरे वो तो सचमुच हमें प्रमिला समझ बैठो। फिर तो ठीक है दीदी, पूरा कर डालो नाटक, यही बदला सही। चलो चलो चलो। वाह कुमार जी, बड़ी मोटी मछली पकड़ी आपने। हाँ लाला जी, बुलाइए हाथ। आपसे कोई सरदार सिंह और सरदार राजी सरदार प्रेम सिंह मिलने आए हैं। यही बुला लो, बहुत बेहतर है। पिताजी मैं वहीं मिल आता हूँ। हेलो मिस्टर प्रेम सिंह। हेलो, शादी मुबारक हो कुंवर जी। आपको भी मुबारक हो। अरे लाला जी आप यहाँ खड़े हैं, नौटंकी शुरू हो रही है। नौटंकी शुरू हो रही है तो मैं कह रहा तो कहा था बेटा। अज तिरछी टोपी वालों से हाँ बनके रहना जी, हाँ हाँ बनके। अज तिरछी टोपी वालों से हाँ बनके रहना जी, हाँ हाँ बनके। अज काले ऐनक वालों से हाँ बनके रहना जी, हाँ हाँ बनके। गोरी सूरत ठंडी आहें भरते हैं, और देख गोरी सूरत ठंडी आहें भरते हैं, और कहते हैं हम मरते हैं, हम मरते हैं, मरते हैं। इसीलिए तो कहा था बेटा, अज ऐसे मरने वालों से हाँ बच के रहना जी, हाँ हाँ बच के रहना जी, बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना जी। अज ऐसे मरने वालों से हाँ बच के रहना जी, हाँ हाँ बच के रहना जी। हाँ इनकी बक बक सुन ली मेरी, अर्ज भी सुन लीजिए, फिर आप साहेब खुद ही इसका फैसला कर दीजिए। एक दिन की बात है कि शाम को बाजार में हम थे चम चम पर सवार, और ये थी मोटर कार में। हाँ जवानी का नशा, हाँ था जवानी का नशा, और दोनों थे रफ्तार में। आंखों से आंखें लड़ी, दिल से दिल टकरा गए, हाय दिल से दिल टकरा गए, दिल से दिल टकरा गए। गाड़ियां तो बच गई, हम जख्मी होकर आ गए, हाय जख्मी होकर आ गए, जख्मी होकर आ गए। इसीलिए तो कहा था बेटा, अज ऐसी मोटर वालों से हाँ बच के रहना जी, हाँ हाँ बच के रहना
और दिल के झगड़े हैं, चलते ही रहे चलते ही रहेंगे। माशूक हमेशा खुशकिस्मत, आशिक चारे बदकिस्मत, रोते ही रहे रोते ही रहेंगे। पर हाल गरीबों का सुन लो और जुल्म अमीरों का सुन लो। दिन यू चढ़ते गए, ब्याज के पैसे बढ़ते गए, अब ये हाल हुआ है साहब। मर जाए कहीं जो आज ललित, मर जाए कहीं जो आज ललित, ला सकते नहीं दो गज भी कफन, ला सकते नहीं दो गज भी कफन। इसीलिए कहा था बेटा, बेटा इसीलिए कहा था दादा, अजी ऐसी दौलत वालों से हाँ बच्चे रहना जी, हाँ बच्चे रहना जी। मिस प्रेम कली है। प्रेम कली जी अभी बनारस से आई हैं जी, मुझे उनका काम बहुत पसंद आया जी। ये तो मेरी खुशकिस्मत ही है ड्राइवर साहब, मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। कहाँ है वो जी? मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। नहीं मैं उनको दूंगा। अच्छा ये तो नहीं जी? हाँ वही है, मिस प्रेम कली। मिस प्रेम कली, ठाकुर साहब को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। हाथ बढ़ाओ। अरे हाथ बढ़ाओ, जरा शर्माती है ठाकुर साहब। शर्माती जी जी, भरसा कहाँ है? इसने गांव में नौटंकी बंद कराई तो इसे यहाँ ले आया। याद रख, फिर कभी मैंने इसे तेरे यहाँ देखा तो गांव से बाहर निकाल दूंगा। क्यों बे? बाप शेर का शिकार करते थे और बेटा नजरिया के तीर चलाता है, ना कटारी सारे खानदान की, गधा बेवकूफ जाहिल कहीं का। ठाकुर साहब क्या बात है? तो कुछ नहीं, मिस प्रेम कली को मुबारकबाद दे रहा था। हमारी तरफ से भी सही। ललिता प्रसाद जी, आपकी नौटंकी हमको बहुत पसंद आई जी। अभी आपने देखा ही क्या है, मौका दीजिए, एक से एक बढ़कर गरम मसाले हैं मेरे पास। क्या बात है ठाकुर साहब, मालूम होता है डाकू डाकू आया होगा, जहाँ भी इस बदमाश की नौटंकी होती है वो जरूर आता। अच्छा आइए चलिए देखें। चलिए परेशान नजर आ रहे हैं। विक्रम डाकू, विक्रम डाकू, बचाइए इस दर्द, बचाइए इस दर्द। काली शेरवानी पहने हुए साहब। काली शेरवानी? चलिए इस दर्द साहब, मैंने देखा। चलो चलो देखो, चारों तरफ से घेर लो। पकड़ डाकू, चलिए। कम मुलाकात हो गया आपसे जी? इसी तरह से कभी ये दर्द साहब गिरफ्तार कर लीजिए। कौन हो तुम? विक्रम डाकू है, भाग जाइए। कुमार साहब ये तो मेरे दोस्त मिस्टर प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी? प्रेम सिंह ये बड़े शरीफ आदमी है। चश्मा उतारा अपना। चश्मा? मैं उतारा साहब, मैं कौन? ओ आप है मिस्टर कमल सिंह जी? नहीं, उनका छोटा भाई प्रेम सिंह। हाँ प्रेम सिंह, प्रेम सिंह, माफ कीजिए। चलो कौन? वही जिसे तुम ढूंढ रहे हो। विक्रम? हाँ, घूमने की कोशिश मत करो वरना गोली से उड़ा दिए जाओगे। आवाज तो पहचानी हुई मालूम होती है। क्यों ना हो, हम दोनों कॉलेज में चार साल साथ साथ रहे हैं। सीधे खड़े रहो, आखिर तुम चाहते क्या हो? यही, मेरे पीछे पड़ने की कोशिश ना करो, जब तक मैं हाँ ना कहूं यहां से हिलना मत। जी बताइए। देखो सगाई तो तुम्हारी चढ़ गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि लड़की को तुम भी एक बार देख लो। लड़की तो देखी गई पिताजी।
परमला को तुमने देखा है? मेरा मतलब है आपने से देख लिया तो फिर मेरे देखने की क्या जरूरत है? शर्माओ नहीं, प्रताप बाबू भी इस बात पर रजामंद हैं। और मेरा ख्याल है कि शादी से पहले तुम दोनों का एक बार मिल लेना ही ठीक होगा, समझे? जैसा आप कहें। और सुनो, मैं प्रताप बाबू को लिखे देता हूँ कि प्रमिला को पूर्णिमा के मेले में भेज दें, तुम भी तैयारी कर लो, चले जाना। हाँ बहुत अच्छे जी। हाँ बाबा जी, परमिला कहाँ है? जी वो अंदर है। बुलाओ। परमिला बहन, परमिला बहन, चाचा जी बुला रहे हैं। गौमत क्या है दादी? देखो महेश बाबू का खत आया है, उनका ख्याल है अच्छा हुआ अगर तुम और राजेश शादी से पहले एक बार मिल लो, वो उसे पूनम के मेले में भेज रहे हैं, तुम भी चले जाना। अच्छा ठीक है चाचा जी, परमिला बहन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन डैडी मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इनके साथ वो नौटंकी वाली की स्टूपिड लड़कियां भी रहेंगी। नहीं नहीं, और कोई नहीं रहेगा। देखो ललन जी, मैं आखिरी बार कह देता हूँ, अब की अगर मैंने कभी सुना कि तुम उन लोगों के साथ रहे तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? बहुत अच्छा चाचा जी। लेकिन तुम लोग वहाँ ठहरोगे कहाँ? जी एक बजरा छुड़वा देंगे, नदी नदी चले जाएंगे, उसी में रहेंगे, एक ही रात की तो बात है। ठीक है, वो लोग भी बजरे में आ रहे हैं, कहाँ चले? बजरे का इंतजाम कर लो। देखो रास्ते में उसका घर भी पड़ेगा। किसका? अरे उसी नौटंकी वाले का। जी क्या कहना है? उसे कहना अगर 3 रोज के अंदर अंदर पैसे नहीं आए तो मैं घर में कुर्की भिजवा दूंगा। ठीक है डैडी, उन लड़कियों को गांव से निकाल ही देना चाहिए, ललन भैया का साथ भी छूट जाएगा। जाओ जाओ मत। बहुत जब देखो टैटे करता रहता है। आदावर जी थानेदार साहब। आदावर। आदावर ललन भाव, आप यहाँ कैसे? जैसे आप। मैं तो यहाँ रोज सुबह तफरी के लिए आता हूँ। मैं भी। पूनम के मेले में चलिएगा आप? ख्याल तो है, शायद विक्रम डाकू वही हाथ आ जाए, आप जाइएगा? हाँ चाचा जी परमिला बहन के साथ भेज रहे हैं, अच्छा होता वहाँ ललिता बाबू भी होते। जी हाँ उनकी नौटंकी में तो जरूर आता है। तो इन लड़कियों को तैयार कीजिए ना। आप तरला को तैयार कीजिए। आप निर्मला को। मैं अभी आता हूँ। मैं तो डर गई थी। सुनो मैं मेले जा रहा हूँ परमिला बहन को लेकर, वहाँ राजेश उनसे मिलने आने वाला है, तुम भी चलोगी? चलती तो, लेकिन मेरी ये बहनें। इन्हें भी ले चलो, निर्मला से कहना वहाँ थानेदार भी आ रहा है। तो कमला दीदी कैसे तैयार होंगे? तुमने क्या कहा था, प्रमिला राजेश से मिलने जा रही है? हाँ क्यों? फिर तो कमला दीदी जरूर जाएंगी। कैसे? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि वे दोनों आजकल। हाँ हाँ ठीक है, तुम कमला दीदी को तैयार कर लो और ये नाटक पूरा करके छोड़ेंगे। देखो तो, अरे सरला घर में कुछ बातचीत हुई थी। काल की शादी की? यहाँ से पहले विमला दीदी, फिर कमला दीदी, फिर सरला दीदी। कमला दीदी, ए कमला दीदी, एक बात सुनो बड़े मजे की है। क्या? देखो जो कुछ कहना है शरीफों की बोली में कहो। बाबूजी कल पूनम का मेला है, हमने सोचा हम भी चले। क्या विचार है तुम्हारा? ये पूछ क्या ख्याल है आपका। हाँ बाबूजी क्या ख्याल है आपका? चलो ना बाबूजी, एक अच्छे से खेल कर देंगे, कितनों की बरसात हो जाएगी। हाँ बाबूजी, और आपको रुपयों की जरूरत है ही शादी के लिए? है शादी के लिए? शादी वादी मैं नहीं करूँगा। आपकी शादी नहीं बाबू जी, बिमला दीदी की शादी तो करनी पड़ेगी। चल मेरा नाम क्यों लेती है? क्यों बाबू जी बात यह है, ये तीनों चुड़ैलें शादी के लिए बेचैन हो गई और तीनों ने अपना अपना घर भी पसंद कर लिया है। हाँ बाबू जी,
बाबूजी। कल मेले में चली गई या नहीं? हम तो तैयार हैं, लेकिन अगर तुम्हारी माँ राजी न हुई तो कल पूर्णिमा का मेला है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जाए याद लगे बुढ़ापे मेला देखने का सब स्वभाव है। कौन कहता है मैं बुरा हूँ? और सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी लड़कियाँ भी जाएंगी। बाबूजी बाबूजी, माँ से कह दो तुम्हारे भगवान के लिए नर्मदा जल भी ले आएंगे। ठीक कहा, और वहाँ से तुम्हारे भगवान के लिए नर्मदा जल भी लेते आएंगे। हाँ हाँ, तब तो जरूर जाओ, पर देखो भूलियो नहीं। नहीं नहीं, हम तो खुद चाहते हैं कि तुम्हारे भगवान तुम पर प्रसन्न हो। और एक लड़का लड़का बस हो गई राजी पानी। किसका? अरे कमला बाबू तो आप ही हैं, जब देखो तब नाम की गड़बड़ कर जाता हूँ। मेरा मतलब है कमला देवी का है। आप जरा जल्दी तैयार हो जाइए। आप जाइए, कह दीजिए मैं 15 मिनट में आया। कुमार जी सुनिए तो, मैं वहाँ से जरा मेले में हुआ हूँ, वहाँ लड़कियों वाली नौटंकी आई हुई है। नौटंकी वाली लड़कियाँ? कुमार जी बड़ी प्यारी लड़कियाँ हैं। आप जरूर जाइए लाला जी। लाला जी पहले कमला देवी। परमिला बहन जल्दी आ। क्या? ये देखो राजीव बाबू का बजरा आ गया। आ गया? हाँ हाँ, वो देखो। अच्छा कब मैं चलता? कहाँ? तुम तो राजीव बाबू से यहाँ बातें करूंगी, मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? कम से कम मेला देखा हूँ। मैं जानती हूँ, सरला जी तुम्हारी राह देख रही है। जवानी की रेल चली जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे, इटली 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 जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे। अजी आहों का धुआं उड़ाए रे, अजी आहों का धुआं उड़ाए रे, इतनी 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 जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे। अजी आँखों का सिग्नल जो पाए रे, अजी आँखों का सिग्नल जो पाए रे, इतनी 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 जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे। बचपन से निकले बुढ़ापे से जाए, बुढ़ापे को जाए, रस्ते में मैंने नाटक दिखाए, रस्ते में मैंने नाटक दिखाए, दुनिया को अजी दुनिया को, अजी दुनिया को पागल बनाए रे, अजी दुनिया को पागल बनाए रे, इतनी 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 जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे।
बच्चे मना है बूढ़े मना, जवान हो जो जवान हो जो जवान हो जो टिकट कटाए रे, जवान हो जो टिकट कटाए रे, ये चली ये चली ये चली जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे, जवानी की रेल चली जाए रे, ये चली ये चली ये चली चली हम गुजर मालूम है आज तुम सामान भरे है ना देख कोई से कहियो नहीं बाबू जी पूछे तो कह दे कि नर्मदा जल ले गई है मेरी बड़ी अच्छी है बाबू जी देवी जी भगवान के नाम पर कुछ मिल जाए मेरे पास कुछ नहीं भाग जाना अरे पहचान लूं अरे आप कुछ मिल जाए छगन पकड़ साथ नहीं पकड़ता तू विक्रम डाकू को पकड़ना कोई आसान थोड़ी है तो पुलिस विक्रम डाकू का पीछा कर रही थी जी हाँ तो वही पकड़ा गया होगा जी हाँ तो वही पकड़ा गया होगा अरे बिटिया गुरुजी को मिठाई तो खिलाओ बैठिए रहने दीजिए अब मैं जाऊंगा इतनी जल्दी क्या है बैठ जाइए खाइए क्या सोच रहे हैं तो आप राजेश बाबू से मिले यहाँ आई जी हाँ मिस प्रमिला मिस्टर राजेश का इंतजार कर रही थी अच्छा तो आपका नाम मिस प्रमिला है हाँ
और मेरे पिता का नाम? वो तो मुझे मालूम है, बाबू प्रताप नारायण। खैर इतना तो आप जानते हैं। अच्छा तो आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं राजेश हूँ? तो क्या आप राजेश बाबू नहीं है? नहीं नहीं मैं हूँ। अच्छा वो जो आपसे यहाँ मुलाकात हुई? मुलाकात हुई जैसे होने वाली नहीं थी, हम यहाँ मिलने के लिए तो आए हैं। जी हाँ, अगर वो लोग मुझे रास्ते में पकड़ लेते तो मुलाकात कैसे हो सकती? क्यों पकड़ क्यों लेते? विक्रम डाकू समझ के? ऐसे कैसे हो सकता था, आप डाकू जैसे थोड़े ही दिखते हो। अच्छा खाइए। अरे मैंने विक्रम डाकू को पकड़ने के लिए कहा था, ये तो राजेश बाबू है। विक्रम साहब भाई खूब काम बनाया आपने, काम ही ऐसा है, सब कुछ करना पड़ता है। तुम देखते क्या, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वो कहीं भाग न जाए। माफ कीजिए राजेश बाबू, कोई बात नहीं। कमला देवी, मैं हूँ मैं। ओ आप, मैं तो डर गई थी। क्या बात है, आप मुझे देख के डर गई? आप यहाँ? मैं तो आपसे मिलने के लिए बजरे की तरफ जा रहा था। जी मुझसे? अच्छा तो अभी आप उनसे मिलने? किससे? जी उन्हीं से। मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था प्रमिला देवी, मुझे तो और किसी से नहीं मिलना। अच्छा मैं जाता हूँ, नमस्ते। ये पुलिस वाले मुझे विक्रम डाकू समझ के यहाँ पकड़ लाए, इसी से मैं डाकू नजर आता हूँ। हाँ हाँ बहुत बड़े। चलिए खैर इसी बहाने आपसे मुलाकात होगी, चलिए आधी के बजे चला जाए, वहीं बातें होंगी। मुझे मेरे से ज्यादा दिलचस्पी, मैं तो आपसे मिलने चला। चलिए ना, मैं तो सोच रही थी कि आप आए तो साथ साथ हिंदुला झूलेंगे, बाहर गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। जी सच पूछिए तो मुझे शर्म आती है, कई जान पहचान के लोग मिल जाएंगे और साथ साथ घूमना शुरू कर देंगे। आप कहीं तो एक काम करें। क्या? मैं आपका नौकर बन जाऊँ? नहीं नहीं मैं आपकी नौकरानी बन जाऊँ? नहीं बन जाता हूँ आपका नौकर। लेकिन नौकर के कपड़े कहाँ मिलेंगे आपको? आपके नौकर के लिए? हाँ ठीक है चलिए जल्दी कीजिए। धीरे धीरे भूलना, ओ धीरे धीरे, ओ बने बने
माना कि हम दूसरी बार मिले हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। आपके कब मिले थे प्रमिला? जब आप कहें। अच्छा तो मैं शिकार के बहाने तुम्हारे यहाँ आऊंगा। घर पर नहीं आइएगा, नहीं तो पिताजी को मालूम हो जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे कैसे? अच्छा तो मैं तुम्हें खत लिखूंगा। खत कहाँ? नहीं नहीं, अच्छा लिखिए, लेकिन मेरे पते पर। जी हाँ, आपके नाम से, आपके पते पर, मिस प्रमिला, हमारे पर ठाकुर प्रताप नारायण संगमपुर। जी जी नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है, यानी फिर तो सिर्फ गड़बड़ घुटाला हो जाएगा। हाँ, पहले मैं आपको खत लिखूंगी और जो पता बताऊं उस पर लिखिए। अच्छा, लेकिन भूलना नहीं। आपको कैसे भूल सकती हूँ कमला दीदी। अच्छा चलो। आपको नहीं, कमला को बुलाया है। जी नहीं, आपको सुनने में फर्क है। प्रमिला दीदी। जी सुना आपने, अभी आई। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। हाँ। काय को बुला लो हमें, ये भिन्ना, अब तो हम बुरे लगन लगे। आयु तो सिर्फ बिहार ही आती तुम्हारी चुड़ी मार मैन पर। अरे हाँ, अच्छा करो बुला लो हमें। अयु के साथ कौन है? अच्छा तो राजेश बाबू, अब कब मुलाकात होगी? अगले सवार की शाम को मैं शिकार के बहाने आपसे मिलने आऊंगा। कहाँ? संगम ताल के पास। संगम ताल? लेकिन देखिए, अकेली आइए। ये भी कहने की जरूरत है? चलिए आप अपने कपड़े ले लीजिए। रहन दीजिए, मैं इसी लिबास में चला जाऊंगा। इसी लिबास में? नौकर देखकर हैरान हो जाएंगे कि कौन आ गया। फोर्स ऑफ 35,000 मेन, The force will be operational in 3 years' time and is intended as the nucleus of a future European army. The United States is... अरे भाई, मेले से आए तुम्हें 2 दिन हो गए और मुझे ये तक नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ। प्रमिला आई थी ना मेले में? जी, डॉक्टर आया था वहाँ? हाँ आया था, पहले इनकी बातों का जवाब दो। लड़की तो पसंद है ना? तबीयत कैसी है वहाँ? फिर बात चालू? आगे जाती हूँ तो मैं उसकी तारीफ से लेक्चर देता फिर। मैं जाता हूँ। सुनते मालूम होता है राजेश को प्रमिला पसंद है, मगर उसने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा। कहता कैसे, सब तुम्हारी तरफ बेशरम तो है नहीं कि माँ बाप का कुछ लिहाज न करे। क्यों, मैंने कब लिहाज नहीं किया अपने माँ बाप का? तुम्हें तो कहते थे शादी से पहले तुम अपने पिताजी से रूठ गए थे, शादी करूँगा तो विद्या से, नहीं तो उम्र भर कुंवारा ही रहूंगा। वो तो तुमसे प्रेम हो गया था इसलिए। तुम कल ही तिलक लेकर संगमपुर चले जाओ, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बहू को देखने से पहले। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, मैं कल ही संगमपुर चला जाऊंगा। दादाजी, लालाजी आया जी। देखो मैं कल संगमपुर जा रहा हूँ तिलक लेकर, सब तैयारियां कर लो। बहुत अच्छा जी, मुझे तो ले चलिएगा ना। हाँ? मुझे तो ले चलिएगा ना। हाँ। कुंवर जी, मिठाई खिलाइए, कल सुबह राजा साहब आपका तिलक लेकर संगमपुर जा रहे हैं और साथ में मैं भी जा रहा हूँ। और मैं भी जा रहा हूँ। आपके बारे में तो राजा साहब ने कुछ नहीं कहा। अरे राजा साहब ने कुछ नहीं कहा तो क्या हुआ, हमारी रानी ने हमें बुलाया। सच? तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? देखो मेरी प्यारी रानी, तो जाइएगा। हाँ, लेकिन किसी से कहिएगा नहीं। ठीक 5 बजे उसने मुझे संगम ताल पर बुलाया, मैं उसका जवाब दे दूंगा और आप थोड़ा आइएगा। लेकिन सुनिए तो, अगर कहीं ये खत उसके बाप के हाथ में पड़ गया तो? अरे लाला जी, आप तो बिल्कुल बुद्धू आदमी है, कोई बात नहीं समझते।
आजकल की लड़कियां इसमें बीए पास होती है। अच्छा, और उन्होंने इसकी तस्वीर भी लिख भेजी है। भाई वाह, आप जरा दूर रहिए ना। उन्होंने लिखा है कि ये खत मेरी सहेली कमला के मार्फत भेजिए बाबू ललिता प्रसाद नौटंकी वाले के पते से। ललिता प्रसाद सिंह, तो फिर पोस्ट करने की क्या जरूरत है। कुमार जी, मैं ले जाऊंगा, वहाँ तो हमारी दिल की बीमारी के चार चार नुस्खे। आपका काम हो जाएगा, मेरा इलाज हो जाएगा, लाइए मैं ले जाऊंगा। ये नहीं, इसका जवाब। हाँ तो लिखिए जवाब। लेकिन माफ करिएगा, आप में कमला देवी कौन है? क्यों दिखाई नहीं देता? आप तो चश्मा लगाए हैं। जी, इस चश्मे में से तो सभी कमला देवी नजर आती हैं। अच्छा, देखो। मैं हूँ कमला। आप हैं? तो जरा इधर आइए। कहाँ? अलहदा में आपसे कुछ बातें करनी है। मैं नहीं कमला। आप नहीं है? तो फिर कौन है? मैं हूँ कमला। आप हैं? तो फिर आप ही आइए। चलिए आइए। कहिए क्या काम है? माफ करिएगा, मैंने सबके सामने नहीं कहा। आप तो जानती हैं, प्रेम की बातें सबके सामने नहीं कही जाती। एदीना, सुनिए तो कमला देवी। अजी है कैसा आदमी, प्रेम की बातें करन लोगो हसास के हमसे। एदीना, कमला देवी सुनो तो। मैं नहीं हूँ कमला। अजी मुसीबत है, तो फिर कौन है कमला देवी? ये आप हैं जी? तो जरा इधर आइए, मेरी बात सुनिए, मुझे जल्दी जाना है। आइए। देखिए, सोच लीजिए, आप ही हैं ना कमला देवी? जी। बड़ी मुसीबत से मिली हैं आप, सच सच बता दीजिए, आप ही हैं ना कमला देवी? जी, आपको शक क्यों होता? शक नहीं होगा, यहाँ तो जिसे देखो वही कमला देवी है। खैर, मैं मान लेता हूँ कि आप ही हैं कमला देवी। राजनगर से कमला बाबू का एक खत लाया हूँ। कमला बाबू का? अरे हाँ, कमला बाबू तो आप ही हैं। राजेश बाबू का। राजेश बाबू का? किसके लिए? कमला देवी के लिए। कमला देवी के लिए? मैं तो कमला हूँ, कमला देवी तो वो बैठी है। वो बैठी है कमला देवी जी? तो फिर पहले से आपने क्यों ना बताया? मैं पूछा ही कब तक। अरे हाँ, नमस्ते कमला देवी। नमस्ते। आप लोग जरा हट जाइए। कमला बाबू ने आपको आपको ये खत दिया है। किसने? अरे हाँ, कमला बाबू तो आप ही हैं, कमला देवी तो आप ही हैं। राजेश बाबू ने आज वो गांव में आने वाले हैं, शाम को आप खुद पढ़ लीजिए। क्या है तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसे लाला जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते ललिता बाबू। नमस्ते। मैं जरा प्रमिला देवी से मिलने आया हूँ। बाबूजी, बाबूजी, यहाँ कहाँ है प्रमिला? तो फिर आप क्या हैं? ये तो कमला है। ये भी कमला है। आप किससे मिलने आए हैं, प्रमिला से या कमला से? जब देखो तब नाम की गड़बड़ कर जाता हूँ, जरा मुझे सोचने दीजिए। अच्छा तो सोचते रहिए। कमला, बिमला, प्रमिला, नरेला, करेला, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, आप कुछ भी हो, ये खत राजेश बाबू का है, मुझे देर हो रही है, मैं चला। चश्मा दीजिए, अपना नहीं है। डैडी, मैं सैर करने के लिए जाती हूँ। कहाँ जाओगी? संगम ताल तक। अच्छा, अगर जल्दी लौट आना। सैर को जा रही है परमिला, जब से मेले से आई है बहुत खुश है। राजेश का भी यही हाल है। अच्छा हुआ हम लोगों ने उन्हें एक बार मिल लेने दिया। ठाकुर साहब तो शादी कर ही डालिए। मेरी तरफ से क्या देर है, इसी पुनम को लीजिए। नमस्ते कमला साहब। कमला साहब? है, मेरा मतलब है ठाकुर साहब। नमस्ते। नाम की हमेशा गड़बड़ कर जाता हूँ। आइए लाला जी, तशरीफ रखिए। कहिए हकीम साहब मिले? जी मिले भी और नहीं भी मिले। है? क्या मतलब? राजा जी कुछ बात नहीं,
क्या बात है मुझसे कहिए, मेरे गांव में किसी हकीम से मिलने गए थे आप? जी जरा कमला प्रसाद से मिलने गया था। कमला प्रसाद, ये कौन है? जी वो मेरा मतलब है ललका प्रसाद से। हाँ, ललका प्रसाद। ओ, वो नौटंकी वाला? जी। वो तो कोई हकीम की नहीं जी। आपको क्या पता था वो साहब, शायद उसके पास ही इनका इलाज हो। बोलो भाई बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। एक शिकायत हो तो बताऊं ठाकुर साहब, रात भर नींद नहीं आती, अकेला बैठता हूँ तो दिल धड़कने लगता है, किसी काम में मन लगता। कुछ समझे ठाकुर साहब? समझा, हकीम तो अच्छा चुना लाला जी ने। लाला जी तो फिर शादी कर डाली उसकी किसी लड़की से, क्यों राजा जी? ठीक है ठीक है जी, चाहता तो यही हूँ लेकिन मेरे बस की बात तो है नहीं। क्यों नहीं? आप कहिए आप किससे शादी करना चाहते हैं, क्यों राजा जी? बोलो जी। वैसे तो किसी से भी हो जाए लेकिन कमला से हो जाती तो। वही सबसे अच्छी भी है। अच्छा, आप फिक्र न कीजिए लाला जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, वो नौटंकी वाला तो आज मेरी मुट्ठी में है, जो चाहूं करवा लूं। तो ठाकुर साहब लाला जी के सर सेहरा तो बंधवा ही दीजिए। हाँ हाँ, लेकिन लाला जी दहेज वहेज में कुछ नहीं मिलेगा जी? मैं तो नए ख्यालात का आदमी हूँ, मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस लड़की मिल जाए। इन्हें तो नुस्खा चाहिए, नुस्खा। राम मेम साहब, आओ नदी की सैर करा दूं। नहीं। अरे जिनकी तुम राह देखत हो उनके पास ले चलें। तुम क्या जानो मैं किसकी राह देख रही हूँ? अरे हमको सब मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे बताते हैं, बैठो तो। इंतजार कर रहे हैं आपने, मुझे जल्दी घर जाना है। क्यों, अभी तो आप आई हैं? बड़े भोले हैं आप, जैसे कुछ जानते ही नहीं। आज आपके पिताजी आए हुए हैं ना? क्यों, आप नहीं जानते? मुझे कहते तो नहीं आए, फिर भी मुझे पता है वो क्यों आए हैं। अच्छा बताइए वो क्यों आए हैं? नहीं बताओ। मुझे टाइम लगती है। मुझसे कहने बताओ कमला, वो क्यों आए? मेरा तिलक करने। नमस्ते, माफ कीजिए मुझे जरा देर हो गई, कहीं नाराज हैं आप? जी। देखिए मिस प्रमिला, मनाना तो मुझे आता नहीं, शायर होता तो कुछ शेर सुनाता और गाना जानता तो गा के मना लेता, मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूँ। अब आप ही बताइए किस तरह मनाया जाए आपको। प्रमिला बनकर बैठ जाइए और ख्याल कीजिए। भाई खूब होती ना आपकी जगह कोई गाँव की लड़की तो कहती, दिल पे हाथ रख के मेरा नाम लीजिए और हजार बार झुक कर सलाम कीजिए। खूब भाई बहुत खूब, जो कुछ आपने कहा है मिस प्रमिला, वो एक एजुकेटेड और कल्चर लड़की कह सकती है। यकीन जानिए मिस प्रमिला, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, जिस दिन से आपको देखा है आप ही का ख्याल रहता है। एक बात बताओगी प्रमिला? क्या? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शर्माओ नहीं, बताओ। एक छोटा सा राज खोलने। इसकी क्या जरूरत थी, तुम मुझे इतना भोला ना समझो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हारी आंखों की जुबान अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। वो तुम्हारा मेले में मिलना, वो साथ घूमना, वो बातें क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। नहीं नहीं, बताओ प्रमिला, वो तुम्हारी शोखी कहाँ गई, वो तुम्हारी चंचलता कहाँ गई? पैर टूटे हुए ख्वाब में खो गए मिस्टर राजी, जो कुछ हुआ वो ख्वाब था मेरे लिए। प्रमिला ऐसा क्यों कहती हो? राजेश बाबू, जो चीज आज आपको इतनी पसंद कल बुरी भी लग सकती है। नहीं प्रमिला, तुम हमेशा मेरी नजरों में ऐसी रहोगी, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगी, और तुम भी कसम खाओ तुम हमेशा मेरी रहोगी। राजेश बाबू खाओ कसम। अजी आओ, अजी
आओ मोहब्बत के खाले कसम समाज रहो तुम्हार रहे हम अजे आओ अजे आओ जवानी के खाले कसम समाज रहो तुम्हार रहे हम अजे आओ ये सारी बहेरे हमेशा साथ साथ रहेंगे। अरे वो आ गए। देखिए कसम तो बहुत खाई आपने लेकिन तोड़िएगा नहीं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है प्रमिला? अच्छा फिर कब मिलिएगा? जब तुम बुलाओ। अच्छा तो मिस्टर राजेश अब बुलाने से आएंगे? क्यों अच्छा तो प्रमिला बाय 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 बाय। अच्छा मैम साहब राम राम। प्रमिला प्रमिला क्या है डैडी? बेटी तू कहाँ थी? मैं जरा बोटिंग कर रही थी। राजेश बाबू ने मिले तुम्हें? जी हाँ जी ना। जी हाँ जी नहीं कुछ समझ में नहीं आता। देखो राजा जी वहां खड़े हैं तुम उनके साथ घर चलो अभी आए। हमने ये की फिर वो कौन है? ठहराओ कुछ पूछना भूल गए थे क्या? हाँ कौन हो तुम? क्या मतलब? बनो मत बताओ कौन हो? तो आपको मालूम होगा। हाँ तुम मुझे ज्यादा दिन तक बेवकूफ न बना सकी। लेकिन आपके दिल में मैं अपने लिए कुछ मोहब्बत तो पैदा कर सकती। नहीं तो फिर अभी आपने जो कसम खाई थी क्या वो झूठ थी? हाँ अगर तुम झूठी तो मेरी कसमें भी झूठ थी। लेकिन दिल में जब मोहब्बत तो झूठ नहीं हो सकती और मैं यही चाहती मेरा बदला पूरा होगा। बदला? बदला कैसा? अपनी बेइज्जती का। गरीबी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं। परमिला ने हमेशा हम लोगों को शकारत की नजर से देखा इसलिए कि हम गरीब हैं इसलिए अपने पिता से कहकर हमारी नौटंकी बंद करवा दी। हम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी जिंदगी के साथ ये खेल क्यों खेला? जब मुझे पता चला था आप उसके होने वाले जीवन साथी हैं मैंने सोचा कि आप ही से इसका बदला ले ली जाए और परमिला को बता दी जाए कि दौलत दौलत को जीत सकती है मगर गरीबी दिल को। तो मेरे साथ ये नाटक खेला जा रहा था? हाँ लेकिन कौन जानता था कि ये नाटक एक दिन जिंदगी में सच्ची मोहब्बत पैदा कर देगा। आप नहीं समझ सकते इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है।
आप धनवान हैं, आज नहीं तो कल सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा? तो फिर तुम कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? कमला। कमला? कमला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। राजेश बाबू, राजेश बाबू, मालूम होता है नौटंकी करते करते तुम्हारी लड़कियों को जिंदगी में भी नाटक करने की आदत पड़ गई है। जानते हो कमला ने क्या किया है? क्या किया उसने? अपने आप को प्रमिला बताकर राजेश को धोखा देती रही। नहीं नहीं रमीला साहब, आपने गलत सुना होगा। सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा है। मैं चाहूँ तो उसे इसी वक्त जेल भिजवा सकता हूँ। फिर रमीला साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो सजा कहें मैं उसे देने को तैयार हूँ। सजा यही है कि कल ही उसकी शादी कर दो। लड़का मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो लड़का? महेश बाबू का सेक्रेटरी सुखलाल। तुम्हें दहेज वहेज में कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन रमीला साहब। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मेरे हुकुम की तामील ना हुई तो तुम जानते हो तुम्हारा घर मकान माल सब मेरी यहां गिरवी है। एक एक चीज बिकवा दूंगा, समझे? हम तो पहले ही कहा था नाच नौटंकी उतारो लड़कियों को, एक ने जिन मुकाओ कर दिया हमाओ। अरे झगड़ने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, पहले ये बताओ कि कल उसकी शादी की जाए या नहीं। बाबूजी, इसे तो अच्छो है कि कबला दीदी को कुआं में ढकेल दो। हाँ बाबूजी, उसे ब्याह न करो। मैं भी यही सोचता हूँ। हाँ, सोचता हूँ। कार तुम चाहो तो कि गांव से निकाल दिए जाए और गली गली भीख मांगा फिरे। कहूँ न कहूँ तो करने पड़े ब्याह, अब मरण तो वही के साथ। समझी? अरे वहाँ समझ गया तुम्हारी। राजा जी, एक जरूरी काम से चला गया था। कोई हर्ज नहीं, वैसे तो खैरियत है। जी हाँ, सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। लाला जी, कमला से आपकी शादी तय कर दी। कमला से तय कर दी? हाँ, लेकिन आपको कल ही शादी करनी होगी। अजी साहब, मैं तो आज ही तैयार हूँ। देखा ठाकुर साहब, हमारे लाला जी पीछे हटने वाले थोड़े ही हैं। बिंदिया, बिंदिया, प्रेम लोग लिया। लाला जी टोपी देना। अरे मेरी टोपी। तो बेटा जी, सौभाग्यवती हो। रण बाबू इसी से अंदर भिजवा दीजिए। मुबारक हो ठाकुर साहब। आपको भी मुबारक हो लाला जी। हाँ, यहाँ कैसे? तुमसे मिलने के लिए। अभी शाम को तुम मिले थे? हाँ, बहुत ठीक तरह बातें ना करते। लेकिन अगर यहाँ कोई आ गया तो? प्रमिला, पिता जी आ गया। प्रमिला बेटी, मैं तुमसे बात पूछना भूल गया था। क्या डैडी? जब तुम मेले गई थी तो राजेश से मिली थी ना? कुछ बातें भी हुई थी तुम्हारी? शर्माओ नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़का तो तुम्हें पसंद है ना? नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे यही फिक्र हो रही थी कि बात यहां तक बढ़ चुकी है और मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं।
तो मैं बेफिक्र हूं ना। अच्छा तुम सो जाओ। तुम्हें राजेश पसंद है ना? सोच लो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रमिला मान लो कल तुम्हें पता लगे कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ तो क्या करोगी? पहले तो मैं यकीन नहीं करूंगी, दूसरी अगर आप सचमुच बुरे निकले तो आपकी बुराइयाँ दूर करने की कोशिश करूंगी। अगर तुम्हारे पिताजी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं मचल जाऊंगी। फिर भी ना माने मेरे साथ भाग चलोगी? बोलो। ये कैसे बातें सोच रहे हैं आप? आज सगाई हो गई, कुछ दिन बाद फेरे पड़ जाएंगे। अच्छा आप जाइए, नहीं तो कोई आ जाएगा। चला जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी का कमरा कौन सा? बाजू का। कैसे? चौकीदार होगा। डैडी विक्रम डाकू के डर से रात को कोठी की चारों तरफ कड़ा पहरा रखते हैं। तो तुम्हारे पिताजी विक्रम डाकू से इतना डरते हैं? डाकू उनसे कौन नहीं डरता। और तुम? सुना है कि विक्रम लोगों को डराने के लिए ही डाकू बना है, वरना उसने आज तक कभी डाका नहीं था। सुना तो मैंने भी यही है कि आदमी बड़ा नीक है, लोग बेकार ही डरते हैं उससे। क्या आप उसे जानते हैं? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कभी कभी मिल जाया करता है बेचारा। क्यों बेचारा? क्या एक बात कहीं बुरा तो ना माना? कहिए। सुना है तुम्हारे पिता ने 20,000 के बदले उसके पिता से 1,00,000 की जायदाद अपने नाम लिखवा दी। कुछ दिन बाद मुद्दत पूरी हुई, मेरे पिता ने आपके पिता? मेरा मतलब है उसके पिता बाबू जगमोहन रुपये का इंतजाम न कर सके, तुम्हारे पिता ने सारी जायदाद हड़प कर ली। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ये सोच रही हूँ कि आप जाएंगे कैसे। तुम मेरे जाने के बारे में सोच रही थी? इधर से चला जाऊंगा। वहां तो चौकीदार होगा, यहाँ से आइए। तुम यहाँ? अभी भी मैंने किसी का भागने की आवाज सुनी। जी मैंने भी। अरे को है चौकीदार? देखो कोई घर से भागा है। अभी देखता हूँ। जा बेटा सो जा, डरने कोई बात नहीं। जा किसी के दौड़ने की आवाज तो जरूर सुनी थी, लेकिन जब बाहर निकला तो देखा सिर्फ प्रमिला वहां खड़ी थी। आप वहां क्यों खड़ी थी? बेटी तुमने मुझे कहा था ना कि तुमने किसी के भागने की आवाज सुनी थी। जी। लेकिन आपने किसी को देखा नहीं? जी नहीं। समझ में नहीं आया, आप दोनों ने साथ साथ आवाज सुनी होगी। ठाकुर साहब उठ न सके और आप उनके कमरे के पास तक पहुंच गई। ठाकुर साहब जी, मैं प्रमिला देवी से एक दो सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ हाँ मैं अभी हाजिर हुआ। प्रमिला देवी प्रश्न बताइए, कल शाम को नदी किनारे आपके साथ कौन था? कोई तो नहीं। बताइए मुझसे छिपाइए नहीं। राजेश बाबू देखिए पिताजी से कहिए नहीं। लेकिन वो तो कोई मछुआ नजर आता था। वो तो इसलिए कि कोई उन्हें पहचाने नहीं। और रात को वो आपसे मिलने भी आया था। बोलिए। अच्छा तो ठाकुर साहब की आंख राजेश बाबू के भागने से ही खुली। जहां तक मेरा ख्याल है। फिर ठाकुर साहब के पलंग पर छुरी कौन फेंक गया? हो सकता है उसी वक्त विक्रम डाकू भी आ गया हो। राजेश बाबू क्यों ऐसा करने लगे? अच्छी बात है, अब आप जा सकती हैं। समझ गया। राजेश? जी पिताजी। इधर आओ। जी पिताजी। अरे भाई लाला जी की आज शादी है। सच में? हाँ बेटा। लो तुम्हें ये खत दिया है। और देखो मैं तो जा नहीं सकूंगा, लेकिन तुम जरूर चले जाना। ये बार अच्छा। देख ठाकुर साहब से जरूर मिलता है ना, नहीं तो वो बुरा माने। जरूर।
प्रसाद की बेटी कमला देवी से। ललिता प्रसाद जी, कन्या को बुलाइए। लड़कियों की माँ, कमला को जल्दी भेजो। हाँ हाँ, भेजत है भेजत है। गंगा आओ आओ। निर्मला, कमला को तैयार कर। सरला राजेश्वर, आप यहाँ? मुझे कमला से मिलना है। सरला, उनसे आप कैसे मिल सकते हैं? कैसे भी हो, मुझे उससे जरूर मिलना है। तुम्हें ये काम करना होगा। अच्छा, तो इस खिड़की के पास जाइए, मैं जाकर करती हूँ। कमला दीदी, राजेश बाबू आए हैं तुमसे मिलने। राजेश बाबू कहाँ है? उतरे हैं बाहर बगिया में। तुमसे कब हम उससे नहीं मिल सको। कमलिया, तुम तैयार लगे? अब तक तैयार नहीं भाई, मुँह से घर निकल जाता है। तुम उसे मुझसे बैठी काट दूरी करो। माँ 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 बाहर जैसे कछु काम करो। चलो चलो, दुमला खो रहे हैं बैठे। अरे चलो ना। चलो कमला, भागते हैं। नहीं नहीं, ये आप क्या करते हैं? मैं किसी को मुंह न दिखा सकूंगी। मेरे माँ बाप फिर से मिट्टी में मिल जाएगी। प्रताप बाबू ने जेल भिजवा देंगे। आप जाइए राजेश, सभी भी दौलत के हाथों देख चुके हैं। और साथ साथ दिल भी। ऐसे न कहिए। क्यों ना कहूँ? तुम्हें मेरी जिंदगी से खेलने का क्या होगा? मेरी दुनिया बिगाड़ कर तुम किसी दूसरे का घर बसाने जा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? खामोश। शादी मुबारक हो कमला। राजेश बाबू, कमला रो नहीं। कमला कमला मेरी तरफ देखो। दीदी जाओ मेरे साथ। कमला दीदी क्या हुआ? कमला क्या हुआ? कमला दीदी, कमला दीदी, कमला दीदी, ओ कमलिया, चलो ना करो। मैं तो डर गया था कहीं आप मुझे गिरफ्तार न कर लें। छोड़िए ललिता बाबू,
सैया बहे को तो आतो डर का है का। ये मजाक का वक्त नहीं है ललिता। ललिता बाबू आप शहर पहुंचते अपना पता लिख दीजिए। अच्छा ऐसा तो मेरा शहर आना जाना होता ही रहता है, आप लोगों से मिल लिया करूँ। अच्छा मैं भी आ रही। तुम्हारी विमला दीदी ने तो कमाल कर दिया। लेकिन हो निर्मल मैं शहर आया करूंगा। कलाशी लेने? हाँ। लेकिन मैंने तो आपको कोई चीज नहीं चुराई। कलाशी किस चीज की? मैं जानता हूँ तुमने कौन सी चीज चुराई है। क्या ये भी कहने की जरूरत है? मैं भी तुम्हारे साथ चलता चलना, लेकिन सोचता हूँ कि मेरा यहीं रहना ठीक है। चाचा जी अगर ललिता बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे मुझे मालूम होता रहेगा। वैसे तो कभी कभी आया करोगे ना? जरूर, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ जी नहीं लगेगा। तुम कब आओगे? संडे के संडे। क्या बात? बहुत बुखार है क्या? जी। कहाँ तक जाओगे? शहर अस्पताल। बहुत दर्द है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग परेशान ना होइए, मुझे आराम करने दीजिए। शुक्रिया। नमस्ते साहब। पुत्र बैठिए। कहिए कैसे याद फरमाया? देखिए राजा जी ने लिखा है कि शादी में नाच गाने का इंतजाम किया जाए, लेकिन ये होना तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ बाबू, ललिता प्रसाद यहाँ से चले गए। भूल जाइए उसे, आप अक्सर शहर जाया करते हैं, कोई दूसरा इंतजाम हो सके तो कर डालिए। अच्छा हो आप ललन को मेरे साथ भेज दें, इन कामों में वो ज्यादा जानकारी रखते हैं। अच्छी बात है, ले जाइए। लेकिन देखिए कहीं ऐसा ना हो कि शहर जाकर वो ललिता प्रसाद की नौटंकी के चक्कर में पड़ जाए। जी नहीं, मैं जो साथ रहूंगा। अच्छा कहाँ चले? जरा ललन से मिल लूं। अच्छा ये उछल उछल कर कितना खर्च पड़ रहा है ललन भैया? और हमें कौन लिखेगा? क्या लिखा है सरला दीदी ने? वही पुरानी बात, जब तक कमला दीदी की शादी ना हो तो अपने शादी की बात मत कर। क्या मुसीबत है, आगे भी लड़ी तो कहाँ। भैया अपनी शादी का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस खत से तो मालूम होता है कि अगर राजेश की शादी परमिला बहन से होगी तो कमला दीदी जोगन बन जाएगी। फिर तो कमला दीदी की शादी जल्दी से जल्दी कहीं हो ही जानी चाहिए। लेकिन कमला की शादी हो सकती है तो सिर्फ राजेश, फिर मैडम परमिला का क्या होगा? तुम्ही कुछ सोचो ना इंस्पेक्टर साहब, तुमने तो इतने बबड़े खून के मामले सुलझाए हैं। हाँ क्या? तुम मेरे साथ शहर चलो। हाँ? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शहर? तुम जानते हो चाचा जी ने हमारे लिए कर्फ्यू ऑर्डर लगा रखा है। कर्फ्यू ऑर्डर? तुम उठो यार, मैं चाचा जी से इजाजत ले आया हूँ। यूं कहो ना कि घर से तैयारी करके आए हो। देखो हा? शहर पहुंचते ही प्रमिला और राजेश की शादी की खबर सब अखबारों में छपवानी पड़ेगी। ऐसी भूल नहीं करना, ये खबर सुनते ही अगर कमला दीदी का हार्ट फेल हो गया तो क्या कर रहे हो यार? ये खबर मिलते ही असली राजेश की याद आती है। ये खाना वाला ले जाइए, कुंवर जी को आज हमारी घरवाली ने दावत दी है। कुंवर जी कहाँ छिपे बैठे हैं? दरवाजा खोलिए, कमला रानी का एक संदेशा लाया हूँ। क्या संदेशा लाए हैं आप? आज इसने आपको दावत दी है, कहा है जैसे भी हो कुंवर जी को लेकर ही आना। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। तो फिर चलिएगा ना? जी नहीं। क्यों? ऐसे ही। अच्छा ये बताइए लाला जी, शादी के बाद कैसे गुजर रही है? क्या पूछते हैं कुंवर जी, भगवान कमला जैसी पत्नी सब किसी को दे। सुबह उठता हूँ तो पाँव छूती है, नहाने के बाद आरती उतारती है, खाना खाने बैठता हूँ तो पास बैठकर प्रेम से पंखा झलती है, शाम ही से मेरे इंतजार में।
मेरा ख्याल है मैं भी शादी कर डालूं। जरूर कर डालिए कुमार जी, और जल्द कर डालिए, फिर आपका ये जर्द चेहरा कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो जाएगा, मन फूल की तरह खिल उठेगा, जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अब मुझे देखिए ना लाला जी, आपके चिट्ठी मालूम होता है ससुराल से आई है। तो चलिए कुमार जी, कमला आपका इंतजार कर रही होगी। आप जाइए लाला जी, और कमला देवी से कहिए राजेश अब प्रमिला के साथ ही उनके दर्शन करने आएगा शादी के बाद। अच्छा, और देखिए महाराज से कहिए मेरा खाना लेता है। बहुत अच्छा, जा रहा है। जाने भी दो, नजर ना लग जाए। अरे हाँ, तुम तो कंवर जी को लाने वाली थी। वो आज नहीं आए। क्यों? बूढ़े, शादी के बाद बहू को देकर ही आएंगे। कब हो रही है उनकी शादी? इसी पूनम को। बहू कहाँ की है? वही अपने समदा बाबू की लड़की है? अरे वो समदा लड़की समदा देवी से। क्या हो गया है तुम्हें? अरे हाँ, समदा बाबू तो तुम ही हो। ओ, जब देखो नाम की उलट फेर कर जाता हूँ। मेरा मतलब है प्रताप बाबू की लड़की समदा देवी से। समदा देवी से? क्यों, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, सच बताओ तुम्हें मेरी कसम। घर की याद आ गई थी। अरे हाँ, कहने ही भूल गया, ससुर जी की चिट्ठी आई है, शहर पहुँच गए सब राजी खुशी। कहाँ रखी है चिट्ठी? कोर्ट की जेब में। कमला रानी सुनो तो, सुनो तो कमला रानी। क्यों रही हो? क्या लिखा है चिट्ठी में? राजेश बाबू प्रमिला से शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। बहुत जल्द बारात जाने वाली है। कमला दीदी जल्दी ना, घंटी बज गई। चलो दीदी, मैं आज नहीं नाचूंगी, बाबू जी से कह दो मेरा काम ना रखें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, सारी टिकटें बिक चुकी हैं, लोग शोर मचा रहे हैं। एक गाना है सुना देना, मैं दूसरे कपड़े ले आती हूँ। चल निर्मला। हमें क्या पता था कि दिल की कली को मसल देंगे वो, हमें क्या पता था कि राहत को गम में बदल देंगे वो। मोहब्बत के वादे और झूठी खा कसमें किसी और के होके चल देंगे वो। इसीलिए तो कहा था बेटा, मार कटर मर जाना, मार कटर मर जाना, रे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना। मार कटर मर जाना, रे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना। खाके जहर मर जाना, मन में किसी को बसाना ना, ओ बसाना ना। आए दुनिया की कोई भी चीज अब भाती नहीं, चैन अब आता नहीं है, नींद अब आती नहीं। जिनको आना था न आए, जाने वाले जा चुके, दिल को जाना था गया, पर जान क्यों जाती नहीं। इसीलिए तो कहा था बेटा, पीछे पड़े हैं पछताना, पीछे
के पड़े है बचकना, तू अपना किसी को बनाना ना, ओ बनाना ना। पीछे पड़े है बचकना, तू अपना किसी को बनाना ना, ओ बनाना ना। मार कटारी मर जाना, वे अखियाँ किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना। अब तक इंतजार किया क्यों इस भोले दिल ने, उन पर बार बार इतबार किया। जो यही मोहब्बत का बदला मुझको मिलने वाला था, मैंने उनसे प्यार किया। इसीलिए तो कहा था बेटा, सुन के हंसेगा जमाना, सुन के हंसेगा जमाना, अपना किसी को सुनाना ना, ओ सुनाना ना। सुन के हंसेगा जमाना, अपना किसी को सुनाना ना, ओ सुनाना ना। मार कटारी मर जाना, फिर अखियाँ किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना। शाबाश बेटी शाबाश, कमाल कर दिया तुमने। अरे ये रो क्यों रही है, क्या हुआ इसे? राजेश बाबू प्रमिला से शादी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ऐसे 50 राजेश खरीद सकता हूँ? मालूम है आज कितने रुपए की टिकट बिके हैं? कितने रुपए के? 1280 रुपए 12 आने। इसी तरह 3 रोज खेल हुए तो जमींदार का कर्जा यूं चुका दूंगा। फिर तो बाबूजी गांव का घर अपना हो जाएगा। गांव का घर? खुद जमींदार का और उसके बाप का घर भी अपना हो जाएगा। तुम्हारी माँ कहाँ गई? मंदिर। तो लड़का मांगने गई होगी। चलो घर चल। नमस्ते रहता बाबू। ओ ललन थानेदार साहब, आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे भाई नमस्ते नमस्ते, बहुत हो गए। न चिट्ठी न पत्री, बस आदम के काम ही ऐसा था और आज ही वापस जाना है। तो फिर आए क्यों? बात यह है, आज से तीसरे रोज प्रमिला बहन की शादी राजेश से होने वाली है। होने दो, ऐसी बहुत सी शादियाँ होती है, लेकिन हम चाहते हैं शादी ना हो। तुम्हारे जाने से क्या होगा? सब कुछ होगा, आप जानते नहीं। अगर राजेश की शादी प्रमिला से हो गई तो कमला बहन जिंदगी भर दुखी रहेंगी। हाँ ये तो है, तो मैं क्या करूँ? बस गाँव चलकर शादी के खुशी में नौटंकी। नौटंकी? हाँ हमने गाने और प्लॉट तैयार कर लिए हैं, आप तैयार हो जाओ। भाई मैं नहीं जानता, इन लड़कियों से पूछ लो। मैं किसी से पूछना नहीं चाहता, मैं कमला बहन से एक बात करना चाहता हूँ। कमला बहन, कमला बहन। नहीं ललन भैया, मुझसे पूछना कहो। अरे सुनो तो। लेकिन थानेदार साहब, मैं यहाँ से चलूंगा 3 दिन के बाद ही, सबसे पहले जमींदार का कर्ज चुकाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आज से 3 रोज के बाद ही तो शादी है। अभी तुम्हें यहाँ कम से कम 8 दिन और रहना होगा। और देखो ज्यादा उठना बैठना नहीं, अभी जख्म भरा नहीं है तुम्हारा। कुछ भी, मैं यहाँ एक मिनट नहीं था। डॉक्टर डॉक्टर, कुमार जी। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी तैयार हो कमला जी। कमला रानी, कमला रानी, अरे तुम बाहर खड़ी हो। अंदर आ, कुमार जी से खाई थी। सर कुमार जी,
ये आपके लिए कुछ भेज लाई है। शुक्रिया। बैठिए कुमार जी, आप जरा जल्दी तैयार होइए, मैं शहनाई वालों से कहकर अभी आता हूँ। कमला देवी, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप लाला जी के साथ बहुत सुखी हैं। मैं तो सुखी हूँ, लेकिन आप तो क्या कमला की लाला जी से शादी नहीं हुई? जी नहीं, और शायद अब उसकी शादी कभी भी ना। तो ये मुझे पहले क्यों ना कहा? क्या रे राजे, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। कभी हाँ कभी ना, ये सब क्या पागलपन है? क्या तू नहीं चाहता कि मैं मरने के पहले बहू का मुंह देखूं? चलो जल्दी तैयार करो।
मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या शादी नहीं करेगा? ये क्या बदतमीजी है? क्या बात है? क्या हुआ? अरे बोलो, खामोश क्यों हो? प्रमिला दीदी को कोई ले गया। क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये सब मामला क्या है? मेरी समझ में नहीं आता, प्रमिला कहाँ गायब हो गई? अभी पता लग जाएगा, आप परेशान न होइए। मैंने चारों तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए थे। तो आपको इस बात का इल्म था? मुझे शक जरूर था। तो आपने मुझे को नहीं बताया? अब मैं राजेश जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजेश कहाँ है? अभी अभी तो यहीं थे। कहीं दिखाई नहीं देता। जाइए राजेश बाबू, लोग देख लें तो क्या कहेंगे? लोगों को कहने दो कमला, अब ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। मेरी दुनिया तो उजाड़ दी आपने, अब किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मुझे गलत मत समझो कमला, मैं तो यही समझा था तुम्हारी शादी हो चुकी। मैं अब तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। लेकिन आपके पिता की इज्जत और मेरी जिंदगी। ठाकुर साहब कहाँ? वो अंदर है। कौन है ये? इंस्पेक्टर साहब, इसे गोली छोड़ा दीजिए। मेरी लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले गया। आपका ख्याल गलत है ठाकुर साहब, आपकी लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ गई। खामोश, ज्यादा बकबक की तो जुबान खींच लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अभी कर लेता हूँ, जरा प्रमिला देवी से बात कर लो। प्रमिला देवी, क्या आप अपनी मर्जी से इनके साथ गई थी? प्रमिला, तुम क्यों गई थी इसके साथ? कौन है ये? अब तक मैं ही राजेश समझती थी। क्या मतलब? ये राजेश बनकर तुम्हें धोखा देता रहा, समझा? लेकिन तुम ऐसे धोखेबाज के साथ क्यों गई थी? मैं ऐसे गोली छोड़ा दूंगा, जिंदा जला दूंगा। शौक से, मुझे खुशी है कि मेरा बदला पूरा हो गया। बदला? कौन हो तुम? बाबू जगमोहन का लड़का। तुम जगमोहन के लड़के हो? हाँ, आपने धोखा दे के मेरे पिता की सारी जायदाद हड़प कर ली। मैंने आपकी लड़की की मोहब्बत। झूठ है ये कागजात, झूठ नहीं हो सकते। इनकी लिखावट तो झूठ नहीं हो सकती, और इससे किए हुए आपके दस्तखत तो झूठ नहीं हो सकते। मैं इन कागजात के टुकड़ों को हासिल करने के लिए आपके गांव के आसपास विक्रम डाकू बन के भटकता रहा। विक्रम डाकू? इंस्पेक्टर साहब, इसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन हमारे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं जिससे कोई जुर्म साबित हो सके। इसने प्रमिला का हाथ चुराया था? हार आपकी लड़की के गले में है। प्रमिला, तुझे इसीलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि सबके सामने मेरा समीचा कर दे? मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता? और तुमको मैं जरूर जेल भिजवा कर रहूंगा, चाहे मेरी सारी जायदाद क्यों तबाह हो जाए। तू पैदा होते तेरा मर गई, मुझे ये दिन तो देखा पड़ता आज। पिताजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, हमें माफ कर दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसे बाहर मत जाने दीजिए, मैं इसे पूरी सजा दूंगा। ठाकुर साहब। ओह राजा जी, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मुझे भी आपसे इस मामले में कुछ कहना है। आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ठाकुर साहब, ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए मेरी समझ में खुद नहीं आता। राजा जी, गोस्वामी कमला दास ने कहा है, वो मेरा मतलब है गोस्वामी तुलसी दास ने कहा है, विधि का देखा को बेटन हारा। ठीक है लाला जी। ठाकुर साहब, अब सब काम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और शादी की तैयारियां कीजिए। जाइए। बहुत मेरा कर्ज कब अदा कर रहे हो? जी है ठाकुर साहब, मैं आपको देने आ रहा था। कितना है ये? पूरे 3,000 रुपए। और इसका ब्याज?
इधर आओ। तुम्हारी हमारी दोस्ती कट। क्या मतलब? आज से तुम हमारे ललिता बाबू। लड़कियों की माँ, लड़कियों की माँ कहाँ है? भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया? कहाँ नहीं सकती सब? आप जाकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए। बहुत अच्छा। लेकिन पिताजी। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इसी तरह दोस्ती निभा रहे हो तुम? हाँ। अब नाम की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लगी। और आपसे भी नहीं? नहीं, मुझसे तो कभी हुई नहीं। कमला, अब तो खुश हो ना? हाँ दीदी, तुम्हारी बदौलत। लड़कियों की माँ, लड़कियों की माँ। देखा, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली। तुम एक मानती थी, भगवान ने तुमको चार चार दे दिए। याद लगे?